योगी जी, अगले सुबह से शाम होने को जा रही है, 1 किलो पपीता नहीं बिका है। पता नहीं पपीता खाना लोगों ने बंद ही कर दिया, कोई पपीता खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। मोदी जी, आप भी तो आज मंडी से बहुत ज्यादा पपीता खरीद के ले आए, कम से कम 1 क्विंटल पपीता लेके आए हो आप। 3 टोकरी भर के पपीता लाए हो, इतना पपीता कहाँ पर बिक जाएगा? मुझे नहीं लगता इतना पपीता बिक पाएगा आज। लेकिन योगी जी, एक बात समझ में नहीं आती, बहन मायावती जी की सारी सब्जी बिकी जा रही है, लेकिन मेरा कोई पपीता खरीद ही नहीं रहा है। अरे ये राहुल आ रहा है, लगता है ये पपीता खरीदेगा। अरे ये तो बहन मायावती जी के पास ही रुक गया। राहुल बताओ क्या लोगे, भिंडी लोगे, आलू लोगे, क्या लोगे बताओ, कुछ तो बताओ। मायावती जी, भिंडी खाने का मन कर रहा है, 1 किलो भिंडी दे दो, जल्द से जल्द घर जाके भिंडी की सब्जी बना के खाऊंगा। अरे राहुल, भिंडी की सब्जी में क्या रखा है आज? भिंडी की सब्जी मत खाओ, मेरा पपीता खरीद लो, पपीते से ही पेट भर लो, बहुत मीठा पपीता है। आओ इधर, घर पर सब्जी पकाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। मोदी जी, पपीते से पेट कहाँ भर जाएगा? जब तक कि अन्न पानी पेट में ना जाए तब तक पेट कहाँ भर जाएगा? पपीता तो फल है, मेरे तो पेट में जब तक 2 रोटी और सब्जी नहीं जाती है तब तक पेट नहीं भरता है। मैं फल कितने ही खा लूं, पपीते आपके हैं तो अच्छे, लेकिन खरीदने का मन नहीं है मेरा। लो योगी जी, राहुल ने भी पपीता खरीदने से मना कर दिया, अब क्या होगा, क्या करा जाएगा? भैया योगी जी, अखिलेश तुम भी बैठे पड़े हो मेरी दुकान के पास, तुम भी एक पपीता लेके खा लो, इतनी देर से यहाँ पे बैठे पड़े हो, क्या भूख वूख नहीं लग रही है तुम्हें? अखिलेश तुम कैसे चुपचाप बैठे हो? मोदी जी, अगर उधार पपीता दो 1 किलो तो दे दो, पैसे तो है नहीं, 1 महीने बाद पैसे ले लेना। अखिलेश, 1 महीने का तो वक्त बहुत ज्यादा है, थोड़े जल्दी का टाइम बताओ। 1 महीना बहुत ज्यादा होता है, अगर तुम 10 दिन में पैसा दे दो, 1 किलो क्या 50 किलो पपीता खरीद लो मुझसे। मोदी जी, झूठी बात नहीं बोलूंगा, पैसा तो आपको 1 महीने में ही मिलेगा, 1 महीने का उधार करो तो 2 किलो पपीते दे दो, और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो।